सूरज अंजलि प्यार प्रसंग में अभी हम मौजूद है उनके घर के पास, और हमारे साथ हैं उनके पिताजी सूरज के और अंजलि के ससुर जी। क्या कुछ मामला अभी हुआ, लगातार 2 तारीख को ये घटना हुई और उसके बाद आज तक क्या संज्ञान में इस चीज़ को लिया गया है, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ हुआ, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्या कुछ हुआ इस मामले में अभी तक? देखिए जी, दिलीप गिरी मेरा नाम है, घर चपरई था, थाना रसूलपुर। प्रशासन के तरफ से आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग आतंक के भय में बने हुए हैं, कब खतरा हो जाए कुछ भी ठिकाना नहीं है। हम लोग अभी आप लोगों के चलते हम लोग दिख रहे हैं, न तो हम लोग घर के अंदर होते, इस टाइम हम लोग घर के अंदर होते। अगर हम बाहर दिख रहे हैं इस टाइम, तो आप लोगों के चलते दिख रहे हैं। दिन में 2 बजे दिन में जो है, उस दिन मीडिया वाले आए थे तो सामने फायरिंग हुआ था, बिल्कुल 3 इधर हुआ था 4 इधर हुआ था 7 फायरिंग हुआ था। 2 दिन पहले उसके घर पर 4-5 फायरिंग रात में 12-1 बजे करीब रात में फायरिंग हुआ। तो हम लोग अभी आतंक के साया में जी रहे हैं, जान का खतरा है हमेशा। अपराधी अभी कहाँ है, मतलब कुछ पता चला प्रशासन के द्वारा? देखिए, प्रशासन को पता होगा, प्रशासन का जो है पता होगा कितना बड़ा आतंकवादी गांव का आतंकवादी है। इधर आसपास के गांव में छिपा होगा, कहाँ होगा, कहीं दूर गया होगा, आसे पास में है तबे तो आकर के आवाज कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, इधर है सब है, कहीं भागा नहीं है, आसे पास के गाँव में छिपा हुआ है। लेकिन प्रशासन के तरफ से हम लोगों को कोई नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर इसके पहले जो गाड़ी पर अटैक हुआ था स्विफ्ट डिजायर पर, इसके पहले करीब 6 महीना पहले, इसके 6 महीना पहले स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेकर के 2 लड़का हमारा आ रहा था, और घटना स्थल वही है जहां हुआ है, सेम वही घर के सामने हाईवे पर। माने वो भी उस टाइम भी अटैक तो जबरदस्त हुआ था, लेकिन लड़का लोगों थोड़ा चलाकी किया, जो गाड़ी टूट फूट गई लेकिन लड़का निकल गया, सब घायल भी हुआ था लड़का, चोट भी लगा था लेकिन लड़का निकल गया। लड़का निकल गया, आकर के 2-1 दिन के बाद उसी दिन मुकदमा किया। मुकदमा भी करने के बाद 1 महीना के बाद पता लग रहा है दरोगा जी उसको रफा दफा, दरोगा जी नहीं इंस्पेक्टर साहब जी, पैसा लेकर के। क्या लगता है कि इस अभी जो ये वारदात हुआ, इसमें भी सब लोग संलिप्त हैं क्या? जी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, अभी हमको कुछ भी इसलिए नहीं कह सकते हैं, जो मान लीजिए कई दिन घटना का हो गया, हम तो थे नहीं उस दिन। अगर उस दिन हम होते, अगर गोपालगंज नहीं होते, तो हमारा लाश वहां से उठा नहीं होता, लाश रोड पर रहता, पूरा जाम करते। गोपालगंज में थे आप? जी हम उस समय हम गोपालगंज में 1 साल से रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, इस घर में नहीं रहते, हमारे घर में ताला लगा हुआ है। सूरज दिल्ली रहता है, वो दिल्ली भाग गया था उसी टाइम। अच्छा। लेकिन इन लोगों के आतंक के चलते हम गोपालगंज डेरा लेकर के गोपालगंज रहते हैं, 1 साल से गोपालगंज रहते हैं। दहशत का इतना ज्यादा माहौल है, माने ये गांव का दमंग है, ये गांव का बड़ा दमंग है, सब परिवार दमंग है। हमारी तो लड़की जो है, ये शादी लड़का लड़की से जाति में नुकिया है, इसके पहले ये घर में इसका भाई एक अन्य जाति से नाबालिग लड़की से शादी करके रखा है, पूछिए लड़की से जाकर के पूछिए, महाराष्ट्र से लेकर के भागा हुआ है। बिल्कुल वो भी बात करेंगे हम, और उनसे भी बात करेंगे, ये बात है कि क्योंकि वो भी यही मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कितनी बातों में सच्चाई है और क्या कुछ निकल के आता है, वो भी हम बात करेंगे। एक उसका बड़ा पापा है, 2-2 शादी किया है। अच्छा, उसका बड़ा पापा है, 2-2 शादी किया है, तो ये सब दबंग है, अवैध काम करता है, सब गांजा बेचता है, दारू बेचता है, अवैध काम करता है सब। इन लोगों का देखिए दबंग आदमी, गाँव का दबंग आदमी है, इन लोगों के आगे कोई नहीं चलती चलता है इन लोगों का, इसलिए जो है। हाँ, उस दिन जो ये घटना जो पहले हुआ था, उस पर अगर कार्रवाई हो गया होता तो ये दिन देखने को हम लोगों को नहीं मिलता है, आज दूसरा घटना वहाँ नहीं होता। अगर इंस्पेक्टर साहब उस केस को अगर नहीं ख़त्म किए होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। उस केस को ही ख़त्म कर दिया, केस को भी रफा दफा कर दिए थे, ले करके अपना है रफा दफा कर दिए, न तो ये दूसरा घटना वहाँ होने का मौका नहीं। उसके बाद भी हम घर पर कई बार, इसका मम्मी उप मुखिया है, जब आती थी यहाँ तो जब भी आती थी भाला तलवार डंडा पाइप लाठी औरत मरद ले करके, उसका फुटेज भी है हमारे पास, फुटेज ले लीजिए, एक लड़का से फुटेज भी है, जो एक बार हंगामा किया है, जब हम लोग यहाँ से गांव चले गए थी गोपालगंज चले गए हैं, घर भी सब तोड़ा है, डकैती भी किया है, सब घर को ताला तोड़ करके डकैती, उसका भी फुटेज है, सबका फुटेज है। सब कुछ आपके पास सबूत होने के बावजूद भी कमजोर पड़ रहे हैं यहाँ पे आप? हमेशा देखिए जी, वो सवांग 10-15 आदमी है, हम लोग 2-3 आदमी है, अब उसके आगे गांव का दमंग है, उन लोगों का चलती है, सब प्रशासन उसी के हाथ में है, हम लोग सीधा सपाटा आदमी है हमेशा। देख, केस कौन करता है, कमजोर आदमी करता है हमेशा। जब हम 10 मुकदमा कर दिए हैं और थाना पर के जा करके बार बार बोलते हैं, जो उस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं जिस दिन मर्डर हो जाएगा, इसके पहले बोले थे हम,
ये अभी भी आप सिक्योर नहीं है। मैम आई थी यहाँ पे और यहाँ पे जब बात हुई और थाना पे भी गई तो वहाँ से कहा गया कि यहाँ पे कुछ पुलिस प्रशासन या फिर यहाँ पे सुरक्षा कर्मी को दिया जाए जिससे कि परिवार सुरक्षित रहे। क्या कुछ इस पे बात हुई, एक्शन हुआ? क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है अभी, हम कुछ भी सुरक्षा नहीं मिला है अभी तक। कल हुआ था बात, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। एसपी साहब का अभी आदेश भी नहीं आया जी, हम गार्ड दे दिए हैं चाहे कुछ भी दे दिए, वैसा कुछ भी नहीं है। कोई इस पे मुआयना करने आया कि नहीं अभी तक? कुछ भी नहीं आया। आप जाइएगा, अब हम गेट बंद करेंगे, अंदर घुसेंगे, फिर सुबह गेट 10 बजे खोलेंगे तो खोलेंगे, नहीं तो दिन भर बंद रहेगा गेट। बिल्कुल, जब ऑन कैमरे हमारी बात हो रही थी वहाँ पे बिना मानवी जब कॉल लगाई एसपी सर को तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जो है वहाँ पे पहले करवाऊंगा, संज्ञान में लूंगा और उसके बाद वहाँ पे। इसके पहले का बात, दो दिन पहले का बात बताते हैं जी, 2 बजे दिन में फायरिंग हुआ, मीडिया वाले अब सब बंद हुए थे, सारी यही थे, सब बैठे हुए थे, आवाज आ रहा था तो भागने लगे गाड़ी लेकर के मीडिया वाले। कितना मीडिया वाले भाग गए उस दिन, इधर फायरिंग हुआ, उधर 4 फायरिंग इधर हुआ, 3 फायरिंग इधर घर के पीछे हुआ, उठ करके कितना आदमी भाग गए। पहले कितना वाले मीडिया वाले आते थे, उस दिन के आतंक से आ भी नहीं रहे हैं। हम लोगों का परिवार में अभी धमकी भी तो आ रहा है। हम लड़का को मार दिए, तू भी लड़की को मार दो, हिसाब बराबर हो जाएगा, इस टाइप की बातें कही जा रही है, आ रही है, वैसा ही भी आ रहा है हिसाब। मैसेज भी लड़का लोगों को फोन पर आया है, मैसेज ये आया है जो वहीं पहुँचा देंगे तुम लोगों को भी जहाँ सूरज गया है। ये सब बातें जो है सोशल मीडिया पे लगातार चल रही है और कहा नहीं जा सकता है, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। जिस तरीके से सूरज और अंजलि का जो यहाँ पे मामला चल रहा है, अभी चपराठा में हम हैं छपरा के, और ये जैसे कि परिवार सिक्योर नहीं। अच्छा, क्या लगता है इंसाफ की क्या उम्मीद है आपको? देखिए जी, अभी इंसाफ हो ना हो बाद का बात है, क्या होगा आगे चल कर, क्या ये नहीं कह सके। अभी तो जान खतरा में है, आज हम आपसे बात करें कल करें या ना करें इसका कोई ठिकाना नहीं है। सबसे मेन जरूरी, हम बुढ़ा आदमी, हमारा कोई चिंता नहीं, हमारा वो दो लड़का जो फ्रंट का गवाह है, जो फ्रंट का गवाह है दो लड़का, और मेरी अंजलि नहीं सूरज, उसको हम सूरज कहते हैं, अंजलि नहीं कहते हैं, आज से उसको हम सूरज कहते हैं। वो मेरा सूरज का जान का खतरा है हमेशा, वो 7 महीना का जो डिलीवरी है उसका जान का बहुत खतरा है। हमारे घर में खाना वहाँ बनता है, इसमें नहीं बनता है, इस घर का पूजा पाठ नहीं हुआ है, इस घर से उस घर में जाने में भी डर है, इतना ज्यादा रिस्क है इतना। अब आप लोगों के सामने के बात कह रहे, रात कौन कहे, दिन का जब ये हाल है तो रात को क्या हो सकता है। बिल्कुल, और यहाँ हम लोग मौजूद हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं और इस चीज को देख करके हम लोग खूब अचंभित है कि 2 तारीख की घटना है लेकिन आज तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है। थाना प्रभारी के पास जब पहुंचते हैं वहाँ पे बिना मानवीय तौर पे कहना था कि बातें हो रही हैं, बस वहाँ पे तुरंत हम सिक्योरिटी दे देंगे, एसपी सर से भी बात हुई, लेकिन यहाँ पे जब हम पहुंचे घटनास्थल पे तो कोई भी इस चीज़ पे कोई यहाँ पे कोई नहीं दिखा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।